सो गाइस, जीएसटी में तीन नई नोटिफिकेशन इशू की हैं। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, वहां पर मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। सो गाइस, नोटिफिकेशन नंबर 35 डेटेड 24 सितंबर 2021, इसने रूल्स को चेंज किया है और अमेंड किया है। हम रेलेवेंट पॉइंट को रीड करेंगे, सारे पॉइंट रीड नहीं करेंगे। इन रूल 10A, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपको जीएसटी में कभी रिफंड लेना है, या आप एक्सपोर्ट्स करते हो, या आप सपोज करो कोई गलत टैक्स पे कर दिया तो उसका रिफंड लेना है, तो उस केस में आपको बैंक अकाउंट को ध्यान से देखना है। आपने जो बैंक अकाउंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन के नाम पर हो, जिसके नाम पर जीएसटीएन है, और वो पैन नंबर आपके लिंक भी हो आधार नंबर से, अगर आप प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो। क्या लिखा है? डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट विच इज इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एंड ऑब्टेन्ड ऑन पैन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंसर्टेड, और ये लिंक भी होना चाहिए आधार नंबर के साथ अगर ये प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है। ये ऐसा 96C में भी लिख दिया कि अगर आपको रिफंड लेना है तो उसके लिए आपको ये रूल फॉलो करना है, वही मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन जो एक बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज जीएसटीएन पोर्टल पर खुद भी आया था, जीएसटीएन पोर्टल पे हाईलाइट आ रही थी कि आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स, बट एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को भी अभी आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, कौन से रीजन है वो हम देखेंगे। रूल 10 भी, आधार ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन जो नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 25 और जिनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उनको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। किसका? अगर आप प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो तो प्रोप्राइटर का, बट अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर का, किसी भी एक पार्टनर का। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, फिर आपको डाउट आएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो एनी पार्टनर, कोई सा भी एक पार्टनर, ठीक है। बट अगर आप HUF हो तो आपको कर्ता का करना है, ऑफ द कर्ता। अगर कंपनी है तो या तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर का कर लो, या किसी भी एक होल टाइम डायरेक्टर का कर लो। और अगर आपकी, या तो और ऑफ एनी ऑफ द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, अगर AOP है या बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या सोसाइटी है, तो उस केस में एनी ऑफ द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इन द केस ऑफ ट्रस्ट की बात करें, ऑफ द ट्रस्टी इन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इन द केस ऑफ अ ट्रस्ट, तो आप उसका कर सकते हो, उसको ऑथराइज सिग्नेटरी बनाकर आप आधार ऑथेंटिकेट कर सकते हो। अब पर्पस क्या है, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के लिए क्यों आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, तो रीजन क्या है? पर्पस नंबर वन, फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्म जीएसटी RG 21 कि नंबर कैंसिल हो गया था। अगर आपको चालू करवाना है, रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो उससे पहले आपका आधार ऑथेंटिकेट होना जरूरी है। सेकंड, आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है इन्फॉर्म RFD 01, या आपको रिफंड लेना है अंडर रूल 96 ऑफ द IGST पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। आगे इन्होंने बताया कि अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट फर्निश कर सकते हो अपनी आइडेंटिटी के लिए। या तो आप आधार एनरोलमेंट आईडी दे दो, या सेकंड आप बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ दे दो, या वोटर आइडेंटिटी कार्ड इश्यूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो दे दो, या पासपोर्ट दे दो, या ड्राइविंग लाइसेंस दे दो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच पर्सन शेल अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द आधार नंबर। ऑब्वियसली आधार नंबर तो आपके पास है ही है, बट सिंस रूल्स अभी एप्लीकेबल हो रहे हैं तो आप प्लीज आधार ऑथेंटिकेट कर लेना, वरना आपको ये काम करने में इश्यूज आएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। टिल देन, गुड बाय।